हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट डे पर। तो आज इस क्लास में पूरे 50 प्रश्नों को रखा है और ये सभी प्रश्न आप सभी के होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इस क्लास के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फाउंडर्स नेम भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फाउंडर्स नेम आपके ट्रिपल सी एग्जाम में भी आते हैं। सो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplecbyfirst.com पर विजिट कर सकते हैं। यहां पर आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और सभी मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में भी दिए गए हैं, तो आप यहां से अपने मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। यहां पर आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके लिए आपको यहां पर 90 मिनट का समय मिलेगा, तो आप यहां से अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास में जुड़ सकें। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमने पूछा है, MMID का पूरा नाम क्या होता है। सभी क्वेश्चन जो 50 यहाँ पे कराएंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और ये होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो आज इस क्लास में रखे हैं ये सभी कहीं ना कहीं पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके प्रश्न हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमें क्वेश्चन भेजते हैं, सेंड करते हैं। तो आप लोग भी हमें क्वेश्चन जरूर भेजें, अपने क्वेश्चन आप मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ध्यान रखना, देखिए MMID पूछा है आपसे और MMID का मतलब होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आपको यहाँ पे जवाब करना है नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पे पूछा है IC का आविष्कार किसने किया। ठीक है, IC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटर सर्किट। ठीक है, तो IC का आविष्कार किसने किया, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, जैक किल्वी के द्वारा IC का आविष्कार किया गया। ओके, तो यहाँ पर सही ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा है, लिब्रे ऑफिस विंडो बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। लिब्रे ऑफिस की अगर विंडो आप क्लोज करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की आप यूज करते हैं, कंट्रोल क्यू इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल ओ इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू या कंट्रोल एक्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार ये पूछा भी गया है। देखो यहाँ पर दो आपको चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन पहला है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू से आप लिब्रे ऑफिस की विंडो को क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं एक बार प्रैक्टिकली, जब आप लिब्रे ऑफिस में आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर देते हैं पहले। तो ये देखो लिब्रे ऑफिस है और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कई सारे प्रोग्राम हम ओपन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से हम राइटर भी ओपन कर सकते हैं, है ना, जो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। इसके बाद हम यहाँ से कैल्क भी ओपन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे राइटर डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं। अभी क्या है, जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो कंट्रोल क्यू से हमने आपको बताया कि आप लिब्रे ऑफिस की विंडो को क्लोज कर सकते हैं, साथ में यहाँ पे अगर आप विंडो में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका क्लोज विंडो का ऑप्शन दिख रहा है, जो कि हम कंट्रोल डब्ल्यू से कर सकते हैं। मींस यहाँ पर जो हम प्रोग्राम ओपन करते हैं, जैसे कि हमारा राइटर हो गया, कैल्क हो गया या इम्प्रेस हो गया, अगर इस प्रोग्राम को केवल बंद करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप पूरा लिब्रे ऑफिस ही चाहते हैं कि बंद हो जाए, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करूँगा या फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो देखो क्या हुआ, अभी हमारा सिर्फ प्रोग्राम यहाँ पे क्लोज हुआ है, बट अभी भी लिब्रे ऑफिस हमारा ओपन है। लेकिन आप चाहते हैं कि जैसे राइटर में है और सीधे हमारा लिब्रे ऑफिस बंद ही हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमें यहाँ फाइल पे आना पड़ेगा और यहाँ से नीचे सबसे देखेंगे तो यहाँ पे एग्जिट लिब्रे ऑफिस लिखा हुआ है, यहाँ पे कंट्रोल क्यू दिया गया है। आप कंट्रोल की इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे क्या होगा आपका ये विंडो तो बंद होगा ही होगा, साथ में पूरा लिब्रे ऑफिस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कंट्रोल क्यू, क्योंकि लिब्रे ऑफिस की विंडो हम कंट्रोल क्यू से बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कैल्क इंप्रेस और एक्सेल ये सभी स्प्रेडशीट प्रोग्राम हैं क्या, ये सभी स्प्रेडशीट प्रोग्राम हैं। और स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है, जिसमें रो एंड कॉलम होते हैं। ठीक है, जिसमें रो एंड कॉलम होते हैं वो क्या होता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। ऐसे करके आपके कॉलम दिए होते हैं, ऐसे करके आपके रो दिए होते हैं। ठीक है, इसमें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करते हैं, है ना। तो यहाँ पे यही पूछा है आपसे कि यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, एक यहाँ पे दिया है इम्प्रेस, और ये इम्प्रेस क्या होता है, ये आपका एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है लिब्रे ऑफिस का। तो यहाँ पे कैल्क और एक्सेल तो सेम है, कैल्क और एक्सेल ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों तो स्प्रेड शीट हैं, लेकिन साथ में इम्प्रेस आ गया जो कि हमारा एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। सो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या होगा, वी हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए अब पूछा है कितने किलोबाइट से एक मेगाबाइट बनता है, कितने किलोबाइट से एक मेगाबाइट बनता है। आंसर करिए यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का।
और ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है, 1024 KB में क्या होता है, 1 MB होता है, तो 1024 KB से क्या बनता है, 1 MB बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है, वेबसाइट डेस्क का कलेक्शन होती हैं, जो वेबसाइट होती हैं वो किसका कलेक्शन होती हैं, ग्राफिक्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, एल्गोरिदम्स होते हैं, या फिर वेब पेजेज होते हैं। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, शायद आपको पता होगा क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कराए हैं आपको। ठीक है, और ये सभी पॉपुलर क्वेश्चन है, ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो याद रखना है इनको, आपको यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, वेब पेजेस। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट जो कलेक्शन होती है वो किसका होती है, वेब पेजेस की होती है, बहुत सारे वेब पेजेस मिलकर के वेबसाइट का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए अब इसमें क्या पूछा है, निम्न में किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं, यहाँ पे एक ऐसा समूह है जिसमें केवल और केवल क्या दिया है, इनपुट डिवाइस दिए हैं। ठीक है, तो देखो पहले वो समूह में आप पढ़िए क्या लिखा है, माउस कीबोर्ड और मॉनिटर, दूसरे में क्या है, माउस कीबोर्ड और प्रिंटर, तीसरे में माउस कीबोर्ड और प्लॉटर, और चौथे में है माउस कीबोर्ड और स्कैनर। कौन सा समूह ऐसा है जिसमें केवल इनपुट डिवाइस दिए हैं, तो यहां पर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट। यहां पर डी ऑप्शन में क्या है, माउस कीबोर्ड और स्कैनर, ये सभी हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है, इंटरनेट में एक्सेस हेतु प्रयोक्ता का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसे डैश कहते हैं। ठीक है, नोटबुक, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर या फिर सर्वर। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब करना है कमेंट बॉक्स में, यहां पे क्या होगा, इंटरनेट में एक्सेस हेतु प्रयोक्ता मीन्स यूजर। ठीक है, तो यूजर का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे सर्वर कहते हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट होगा। और जो कंप्यूटर सर्वर से कनेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्लाइंट कहते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, क्लाइंट कहते हैं, इसको हम लोग नोड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट या नोड इसे कहते हैं, और ये जो होता है सर्वर, इसको हम लोग होस्ट के नाम से भी जानते हैं, होस्ट या फिर सर्वर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी आप ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, यहाँ पे ट्विटर को कहा जाता है, बताइए ट्विटर को और किस नाम से जानते हैं, ई कॉमर्स होता है, ब्लॉगर होता है, माइक्रो ब्लॉगिंग होता है, या नन ऑफ दीज। ट्विटर को और क्या कहा जाता है, तो यहां पर ध्यान रखना है माइक्रो ब्लॉगिंग है। कैसा है, माइक्रो ब्लॉगिंग उसे कहा जाता है ट्विटर को। अगला प्रश्न क्या है, फेसबुक पर अधिकतम एक बार में कितने फोटो अपलोड कर सकते हैं, मैक्सिमम की बात की गई है, आप अधिकतम कितने फोटो एक साथ अपलोड कर सकते हैं, तो मैक्सिमम की बात करें तो यहां पर हो जाएगा 30, ऑप्शन हमारा वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, फेसबुक पर अधिकतम कितने फ्रेंड्स बना सकते हैं, अगर हम पूछें आपसे कि कितने फ्रेंड्स बना सकते हैं आप मैक्सिमम फेसबुक पर, तो कौन सा सही जवाब होगा, तो यहां पर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट, 5000 फ्रेंड्स आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है, ट्विटर पर पोस्ट करते समय कितने वर्ड लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, और आपको बता दें कि कल मॉर्निंग में 8 बजे क्लास है। ठीक है, आज किसी कारण से क्लास नहीं करा पाई, लेकिन कल आपकी मॉर्निंग में 8 AM पर क्लास होगी। ठीक है, ये मॉर्निंग की क्लास होगी 8 AM पर, तो आप लोग यहाँ प्रैक्टिस जरूर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट वहाँ पर क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए, और सुबह लाइव क्लास करेंगे मॉर्निंग में 8 AM पर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बताइए आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन 280। ठीक है, ट्विटर पर पोस्ट करते समय कितने वर्ड लिख सकते हैं, 280। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है, ABRS का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म आपको आंसर करना है ABRS का। यहाँ पे हो जाएगा आधार वेज्ड रेमिटेंस सर्विस, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, आधार वेज्ड रेमिटेंस सर्विस होता है ABRS का पूरा नाम। ओके, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, POP प्रोटोकॉल का प्रयोग मेल बॉक्स से ईमेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ट्रू है या फॉल्स है, POP3 प्रोटोकॉल का प्रयोग मेल बॉक्स से ईमेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो ट्रू एंड फॉल्स में जवाब करना है, यहां पे कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है फर्स्ट ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, स्टार्ट मेनू दिखने के लिए हम कंट्रोल और एस्केप बटन का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स अगर हम स्टार्ट मेनू को ओपन करना चाहते हैं इसके लिए हम कंट्रोल और एस्केप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पूछा है, और यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स में आपको आंसर करना है।
चलिए कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बताइए। स्टार्ट मेनू दिखाने के लिए हम कंट्रोल और एस्केप का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। अगर आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ में एस्केप बटन दबाओगे तो क्या होगा, स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, स्टार्ट मेनू आपका ओपन हो जाएगा जैसे ही आप कंट्रोल और एस्केप का इस्तेमाल करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट्सएप पर किसी ग्रुप में कितने लोगों को जोड़ा जा सकता है। व्हाट्सएप पर किसी ग्रुप में कितने लोगों को जोड़ा जा सकता है, तो यहां पे क्या होगा आपका राइट आंसर, 256। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट है, 256, 256। अगला क्वेश्चन है, एस्केप बटन कैंसिल बटन के समान कार्य करता है। अगर आपसे कहें कि जो आपके कीबोर्ड में एक एस्केप बटन होता है ना, कोने पर आपने देखा होगा यहाँ पे एक स्क्रैप बटन होता है, तो ये कैंसिल बटन के समान काम करता है, तो क्या आप इसका जवाब करेंगे ट्रू कहेंगे या फिर इसको फॉल्स कहेंगे। तो बिल्कुल सही है, जो आपका स्क्रैप बटन होता है ये कैंसिल बटन के समान ही कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम साइज कितना कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे बात की गई है लिब्रे ऑफिस राइटर की, जिसमें हम मैक्सिमम जूम यहाँ पे दिया है कि 400 कर सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स में ही बताना है। तो क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में आप मैक्सिमम जूम 400 तक कर सकते हैं। नहीं, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि मैक्सिमम जूम कर सकते हैं हम लोग 600% तक, 600% मैक्सिमम जूम कर सकते हैं हम। राइटर की अगर बात करें, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बता दिया, आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आपसे कभी सवाल हो कि राइटर में मिनिमम जूम साइज क्या है, देखो तो ये मिनिमम की बात की गई है, तो मिनिमम हमारा 20% होगा। राइटर में कम से कम कितना कर सकते हैं, 20%, 20% कर सकते हैं, याद रखना है। और मैक्सिमम की बात करें तो 600% कर सकते हैं। ठीक है, अब राइटर के बाद में हम कैल्क की बात करें तो यहाँ पर भी 20% कर सकते हैं, मिनिमम कैल्क में भी 20 कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर क्या कर, सिर्फ 400 कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इम्प्रेस की बात करें तो यहाँ पर आप कम से कम 5 कर सकते हैं, और मैक्सिमम भी आप यहाँ पर 3000% तक कर सकते हैं। तो है, अब एक वर्कशीट में आप संपूर्ण वर्कशीट को सेलेक्ट कर सकते हैं, मेरी पूरी वर्कशीट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर केवल आप उसमें से रो को सेलेक्ट कर सकते हैं, या केवल आप कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप सभी उपरोक्त में से सभी। तो कौन सा यहाँ पे आपका राइट आंसर है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सभी। ठीक है, आप एक वर्कशीट में संपूर्ण कॉलम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरी वर्कशीट को भी कर सकते हैं, और केवल रो को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं जो कई बार आपसे पूछ लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरा कॉलम सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो देखो कंट्रोल के साथ में अगर आप स्पेस बार दबाते हैं तो भी हमारा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करके। तो अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएंगे और साथ में स्पेस बार दबाएंगे, तो इससे आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और कौन सा कॉलम सेलेक्ट होगा, जो कॉलम हमारा, जो सेल हमारा एक्टिव होगा उसी का कॉलम। जैसे मेरा सेल यहाँ पे एक्टिव है और ये हमारा जी कॉलम है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे करना क्या है, हमने यहाँ पे दबाना है कंट्रोल के साथ में स्पेस बार। तो देखो जैसे ही हमने कंट्रोल और स्पेस बार दबाया, तो आपने देखा ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब ये पूरा कॉलम आपका नीचे तक सेलेक्ट हो गया है ना, पूरा कॉलम ही सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो हो गया दूसरा कंट्रोल ए। ये क्या होता है, कंट्रोल ए से हम कर सकते हैं पूरा आपका जो वर्कशीट होता है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रोल, सॉरी और करके आप लिख दें, गलत हो गया है, क्योंकि कंट्रोल ए से हम क्या कर सकते हैं, पूरा वर्कशीट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ आए, आप यहाँ पे देखोगे, सॉरी यहाँ पर आप कैल्क में, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे अगर मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया है तो ये पूरा वर्कशीट सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरा है, अगर हम पूरा वर्कशीट सेलेक्ट करने के लिए कहें तो एक और शॉर्टकट की है कंट्रोल ए के अलावा, कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार। ध्यान रखना है आपको क्या करना है, कंट्रोल दबाना है, शिफ्ट दबाना है और स्पेस बार दबाना है, तो भी हमारा पूरा ऑल वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कि कंट्रोल ए और कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार एक समान काम करती हैं। ठीक है, दूसरा अब अगर हम पूछें कि केवल हमें रो सेलेक्ट करनी है, जैसे कि ये मान लिया हमारी 4 नंबर की रो है, हमें इसे सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे शिफ्ट दबाएंगे उसके बाद स्पेस बार दबाएंगे, तो शिफ्ट और स्पेस बार से हम पूरी रो सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल स्पेस बार से पूरा कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से पूरा हम वर्कशीट सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा कंट्रोल ए से भी हम वर्कशीट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न बताना है ब्राउजर हिस्ट्री में पिछले देखे गए वेब पेज के लिंक सेव होते हैं। जो ब्राउजर हिस्ट्री होती है उसमें जो आपने वेब पेजेस विजिट किए होते हैं उनके लिंक सेव होते हैं, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। ब्राउजर हिस्ट्री में क्या होता है, जो आपने रिसेंटली विजिट किए होते हैं, वेब पेज देखे होते हैं, उनके लिंक वहाँ पर सेव होते हैं। आप हिस्ट्री जब चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको वो लिंक दिखेंगे जिस वेबसाइट पर आपने विजिट किया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है IPv4 पता कितने वेट्स का होता है, तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा, 32 का होता है, 64, 160 या 5 का? तो IPv4 की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 32 बिट्स का ये होता है। अगला प्रश्न बताना है किस कमांड का प्रयोग वर्कशीट के अंतिम सेल के सिलेक्शन के लिए किया जाता है, कौन सी कमांड का इस्तेमाल वर्कशीट के अंतिम सेल के सिलेक्शन के लिए होता है? तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कंट्रोल एंड, ठीक है, कंट्रोल एंड यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है USSD, इसका मतलब होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? यहाँ पे लैंग्वेज पूछी है, फुल फॉर्म नहीं पूछी है, लैंग्वेज पूछी है, और फुल फॉर्म भी यहाँ पे दी है, आप लोग इसे याद कर सकते हैं क्योंकि फुल फॉर्म भी आपसे आगे पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि USSD कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, इस पर कितनी भाषाओं में आप काम कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक है, 12 भाषाओं में उपलब्ध है। और अगला क्वेश्चन पूछा है आप हिंदी के लिए कौन सा USSD कोड डायल करेंगे, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप हिंदी में USSD कोड इस्तेमाल करना चाहते हैं हिंदी के लिए, हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है, तो आप कौन सा कोड डायल करते हैं? तो स्पेशली अगर आप हिंदी में इस्तेमाल करना चाहते हैं इसके लिए आपको *99*22# इस्तेमाल करना पड़ता है, क्या, *99*22#। वैसे अगर सिंपल आपसे पूछें, साधारण आपसे पूछें कि USSD के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल करते हैं, तो जवाब क्या होगा, *99# हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दें कि हिंदी के लिए कौन सा करते हैं, तब आपका आंसर हो जाएगा *99*22#, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में मैसेंजर उदाहरण है, मैसेंजर किसका एग्जाम्पल है, सोशल साइट का है, इंस्टेंट मैसेजिंग का है, ई कॉमर्स का है, या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। अब आप बताइए यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है, मैसेंजर किसका एग्जाम्पल है, तो याद रखना है मैसेंजर है इंस्टेंट मैसेजिंग का, ठीक है, तात्कालिक संदेश का, मैसेंजर जो है वो तात्कालिक संदेश का एग्जाम्पल है, जिसमें हमारा व्हाट्सएप आ जाता है, जिसमें आपका टेलीग्राम आ जाता है ना। तो जो मैसेंजर हैं जिससे हम तात्कालिक किसी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, किसी से चैट कर सकते हैं, वो हमारे इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है क्विकर निम्न में से किस मॉडल का प्रकार है, क्विकर किस मॉडल का प्रकार है, V2B का है, V2C का है, C2B का है, या C2C का है? तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आपको जवाब करना है, यहाँ पर हो जाएगा C2C का, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, C2C का एग्जांपल है क्विकर। अगला क्वेश्चन पूछा है ई टिकटिंग प्रणाली कब प्रारंभ की गई, कब शुरू की गई, कौन सा यहाँ पे सही जवाब होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 अगस्त 2005 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है ब्राउजर में नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, आप ब्राउजर में अगर नई टैब ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+N से नई टैब ओपन होती है, या Ctrl+T से होती है, Ctrl+M से होती है, या इसमें से कोई नहीं? तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन बी, Ctrl+T, ध्यान रखना है। Ctrl+T से क्या हो सकता है, आप एक नई टैब ओपन कर सकते हैं अपने ब्राउजर में, जैसे कि हम इस ब्राउजर प्रोग्राम में हैं, अभी क्या है हमारे पास एक टैब ओपन है, अब हम यहां नई टैब ओपन करना चाहते हैं तो आप यहां एक तो प्लस के बटन पर क्लिक करके भी कर सकते हैं, ठीक है, चलिए मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूं, एक तो आप इसको प्लस के बटन पर करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या है हमसे शॉर्टकट की पूछी गई है, तो शॉर्टकट की इसकी Ctrl+T होती है, ठीक है। देखिए जैसे ही आप यहां पर क्या करेंगे Ctrl+T प्रेस करेंगे, यहां से भी कर सकते हैं या Ctrl+T, आप Ctrl+T प्रेस किया तो यहाँ पे एक नया ब्राउजर ओपन हो गया, ठीक है, फिर करेंगे तो फिर से आप यहाँ से एक नया टैब ओपन हो गया, और यहाँ पे देखिए एक और टैब ओपन हो गया, इस टैब को अगर हम बंद करना चाहते हैं तो इसके लिए हम Ctrl+W इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान रखना है
नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल टी होती है, बट बंद करने की कंट्रोल डब्लू होती है, ठीक है। ओके, ब्राउजर में टैब को बंद करने की शॉर्टकट की यहाँ पे आ भी गया है, मैंने आपको बता दिया है कंट्रोल डब्लू होती है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कंट्रोल डब्लू हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्राउजर में अगर टैब को बंद करना है तो कंट्रोल डब्लू, और नई टैब ओपन करना है तो कंट्रोल टी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा आईएम का एक लाभ है, आईएम का लाभ क्या है। अब आईएम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पता है आपको, इंस्टेंट मैसेजिंग होता है, तो इंस्टेंट मैसेजिंग का क्या लाभ है, ये वायरस सुरक्षा है, लागत सुविधा, रियल टाइम, इसमें से क्या फायदा है आपको। तो इसमें से फायदा क्या भाई, ये रियल टाइम में आपको बात करा देता है, आपकी चैट करा देता है ना, कम्युनिकेशन करा देता है रियल टाइम में, ठीक है। तो यहां पर हमारा डी ऑप्शन करप्ट हो जाएगा, रियल टाइम ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इंस्टेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है, ऑडम है, ज्वाइनर, नेटवर्क या कनेक्टर। तो सिंपल भाषा में यहां पर हो जाएगा हमारा मॉडेम, ठीक है, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। और अगला क्वेश्चन पूछा है, एआरसी नेट का पूरा नाम क्या होता है, अभी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना है, एआरसी नेट इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखना है यहां पे हो जाएगा फुल फॉर्म आपका अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क, क्या हो जाएगा, अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क हो जाएगा एआरसी नेट का पूरा नाम। अगला प्रश्न है, ओ एस आई का पूरा नाम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ओ एस आई का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से आप लोग जवाब बताइए, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, ओ एस आई का फुल फॉर्म क्या होता है। और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, आज का क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, बट ये पीडीएफ आपको 10 बजे मिलेगा, आज 10 पीएम पर इस पीडीएफ को भी आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको आना है, ठीक है, आप इस वेबसाइट के होम पेज पे आएंगे, मैं एक बार बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पीडीएफ आप प्रोवाइड नहीं कराते हैं, और हम इसका पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं बट आप इसको डाउनलोड ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जबकि हम इसका लिंक आपको टेलीग्राम पर भी शेयर करते हैं। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे आना होगा, यहाँ पर ईबुक और पीडीएफ पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से आप जा सकते हैं, या फिर एक और तरीका है जहाँ से भी आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। आप देखो यहाँ पर, ये तो हमने पैड पीडीएफ बनाई है, अगर आप चाहो तो ये बुक ले सकते हो, जिन बच्चों को आ सकता है तो भी ये बुक ले सकता है, इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किए हैं, अभी आप इसको 99 रुपीज़ में ले सकते हो, बाय कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर टुडेज फ्री पीडीएफ लिखा हुआ है, आप इसमें सबसे नीचे जाएंगे, आज का जो पीडीएफ होगा वो यहाँ पर सबसे नीचे, आपको यहाँ पर सबसे नीचे मिल जाएगा, ठीक है, सबसे नीचे यहाँ पे क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ से आप अगर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक सेक्शन आपको यहाँ पे दिखेगा पीडीएफ नाम से, आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है CCC पीडीएफ डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, आप एक एक पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और इसका लिंक हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको दे देते हैं, वहाँ से भी आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बट ये पीडीएफ आज का आपको 9:30 के बाद 10 बजे के टाइम पर आपको ये मिल जाएगा, ओके। चलिए आज का यहाँ पे 35 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, OSI होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, ठीक है, क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है OSI का पूरा नाम। अगला प्रश्न, IMAP का नवीन संस्करण क्या है, IMAP का नवीन संस्करण निम्न में से कौन सा है, IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है, एक बार सभी बताएं कमेंट बॉक्स में, IMAP का पूरा नाम क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताइए IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ध्यान रखना इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और इसका नवीन संस्करण की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर IMAP 4 हो जाएगा, ध्यान रखना IMAP 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, www का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर 4 टाइम है आपका www, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा है, क्या होगा इसमें राइट आंसर, चलिए यहाँ पर क्या होगा सही जवाब, और आपको बता दें कल इवनिंग में, कल की क्लास के बारे में बता दें, कल आपकी इवनिंग में 8:30 PM से, ठीक है, आप सभी के लिए मैराथन क्लास होगी, कैसी क्लास होगी, एक मैराथन क्लास होगी,
कल कराएंगे हम आपको 8:30 पर। ये क्लास करीब 2 घंटे से ज़्यादा चल सकती है आपकी, ठीक है, 2 घंटे से भी ज़्यादा ये क्लास आपकी चल सकती है। इसलिए कल की क्लास में सभी बच्चे बिल्कुल तैयार होकर आएँ, खाना पीना खाकर आएँ, क्योंकि ये क्लास में जो टाइम होगा वो उसमें काफ़ी लगेगा और काफ़ी लंबी क्लास हम लोग करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो आप सभी रेडी रहना कल 8:30 के लिए। यहाँ पे बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। यहां पर आपका हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, ठीक है, यहां पर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न बताइए मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, मैक एड्रेस पूछा है कितने बिट का होता है, तो यहां पर हो जाएगा 48 बिट का होता है, याद रखना है 48 बिट का होता है। और कई बार आपसे पूछ देंगे कि मैक का फुल फॉर्म बताइए, तो मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो कि 48 बिट का होता है। एक एक बात आपको ध्यान रखनी है अपने एग्जाम के लिए, हर एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निम्न में से वायरलेस ट्रांसमिशन का प्रकार नहीं है, देखो पूछा क्या है, वायरलेस ट्रांसमिशन का प्रकार कौन सा नहीं है, आप ऑप्शन देखिए क्या है, रेडियो वेव ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, ऑप्टिकल फाइबर और इंट्रा और इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन। अब पूछा क्या है वायरलेस ट्रांसमिशन कौन सा नहीं है, तो भाई यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर ये वायरलेस ट्रांसमिशन का प्रकार नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन डैश के माध्यम से ट्रेवल करती है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसके माध्यम से ट्रेवल करती है। चलो भाई कौन सा यहाँ पे सही जवाब है आपका, तो वो आपकी वसेज के माध्यम से ट्रेवल करती है, ऑप्शन डी यहाँ पे होगा, वसेज के माध्यम से। अगला प्रश्न क्या है, हम वर्कबुक को सेव व सुरक्षित कर सकते हैं, आरक्षित पासवर्ड लिखकर, पासवर्ड प्रोटेक्शन द्वारा, केवल पढ़ने की सुविधा देकर, या उपरोक्त सभी। तो हम वर्कबुक को सेव व सुरक्षित कर सकते हैं, कैसे, हम पासवर्ड लगाकर भी कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्शन द्वारा, केवल पढ़ने की सुविधा देकर भी कर सकते हैं, कि केवल अगला व्यक्ति उसको पढ़ सकता है, उसमें क्या लिखा है उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता, उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकता, ओनली वो क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, पढ़ सकता है। तो ये सभी हो जाएंगे ना, ऑप्शन हमारा डी फिर होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सभी है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, SSL द्वारा सुरक्षित SMTP कनेक्शनों को कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, जहां पर भी SSL आए, मैं एक बार बता दूं आपको, जहां पर भी, बस सिंपल से याद रखना है, जहां पर SSL की बात आए समझ लो सिक्योरिटी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो यहां पर हो जाएगा हमारा SMTPS, ठीक है, SMTPS हो जाएगा। और ये प्रोटोकॉल के आगे क्या बढ़ा देता है, एस बढ़ा देता है, जैसे कि HTTP लगा तो वहां पे एस पड़ गया, HTTPS कर दिया, SMTP में आया तो यहाँ पे SMTPS कर दिया। तो जो SSL एक सर्टिफिकेट होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, ठीक है, तो ये जो होता है सिक्योरिटी के लिए होता है, यहाँ पर ध्यान रखना है, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा SMTPS। अगला प्रश्न है OSI रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं, ठीक है, अब आपको बताना है लेयर कितनी होती हैं। अभी आपसे OSI का फुल फॉर्म पूछा था, अब आपसे लेयर पूछी है कि कुल कितनी लेयर होती हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है आपका, 7 लेयर होती हैं, ठीक है, 7 लेयर होती हैं। अगला प्रश्न क्या है, वेब पेज का एक्सटेंशन क्या है, वेब पेज का एक्सटेंशन क्या होता है, .html होता है, .mp3 होता है, .mp4 होता है, या इसमें से कोई नहीं। तो वेब पेज का जो एक्सटेंशन होता है वो .html होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट है। अगला प्रश्न है, पहला सर्च इंजन था गूगल, नेटस्केप, सफारी, आर्ची, तो फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा था बताइए, फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा था, तो डी ऑप्शन यहाँ पे है आपका, आर्ची, ठीक है, पहला सर्च इंजन था। अगला प्रश्न है, स्नैपडील एक ई कॉमर्स साइट है, स्नैपडील जो है वो क्या है, एक ई कॉमर्स साइट है, ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये सही, यानी कि ट्रू हो जाएगा, क्योंकि स्नैपडील क्या है, एक ई कॉमर्स साइट है। अगला क्वेश्चन है, HTML फाइलें केवल टेक्स्ट फाइलें हैं, HTML फाइलें केवल टेक्स्ट फाइलें हैं, तो यहां पर हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन बी, ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, KYC का मतलब होता है, नो योर कस्टमर, नो योर कैरेक्टर, बोथ ऑफ एबव या नन ऑफ दीज, तो KYC का मतलब क्या होता है, नो योर कस्टमर, ऑप्शन हमारा यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सी की स्पेलिंग चेक के लिए प्रयुक्त होती है,
स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन से की इस्तेमाल करते हैं, बताइए। सही जवाब करना है कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की होती है F7। और अगर कभी आपसे पूछें कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की क्या होती है, तो शिफ्ट F7 होता है। क्या होता है? शिफ्ट F7 होता है। अब पूछा है किसी मान्य सेल का पता नहीं है, किसी मान्य सेल का पता नहीं है। अभी लास्ट में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फाउंडर नेम भी बताएंगे, ठीक है, बट इस क्वेश्चन के बाद में। तो पूछा है किसी मान्य सेल का पता नहीं है, तो यहाँ पे बताइए कौन सी सेल ऐसी है जो मान्य नहीं है, जो वैलिड सेल का एड्रेस है ही नहीं। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। और एक चीज याद रखना है, यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। देखिए सेल जो होता है, अब सेल का जो एड्रेस होता है ना, सेल का जो पता होता है, आपको पता है ऐसे करके कॉलम होते हैं और ऐसे करके रो होते हैं। अब यहाँ पे जो सेल हमारी होती है वो कौन सी होती है, जैसे इस बीच में जो आपको दिख रहा ना, ये हमारी सेल होती है, इसको हम कहते हैं सेल। हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है, और एड्रेस कैसे होता है ऊपर देखेंगे, कॉलम का नेम होता है, ये कॉलम के नेम है ABCD ऐसे करके, और यहाँ पर हमारे ये रो के नाम है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके हमारी रो है। तो जो हमारी सेल का नाम होगा उसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने कहा कि इस सेल का नाम क्या है, तो हम ऊपर देखेंगे यहाँ पे कॉलम हमारा सी है, और इसका इधर आप देखेंगे जो रो हमारा है वो 1 है, तो हम कहेंगे भाई इस सेल का नाम है C1। ठीक है, तो हर किसी सेल का अपना नाम है। जैसे मैं कहूँ कि इस सेल का नाम क्या है, तो यहाँ पे V2 हो जाएगा, यहाँ पे B1 हो जाएगा, यहाँ पे A2 हो जाएगा, यहाँ पे C3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हर सेल का अपना नाम होता है। बट इसमें समझना क्या है कि इस सेल का जो नाम रखा गया है, इसमें सबसे पहले तो हमारा कॉलम लेटर होता है, फर्स्ट हमारा कॉलम लेटर होता है, उसके बाद फिर हमारा रो का नंबर होता है। तो देखो यहाँ पर भी कॉलम लेटर दिया है और रो का नंबर दिया है। A190 भी हमारी एक सेल का एड्रेस है, यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर तो 1 दिया है, सबसे पहले 1 दिया है, फिर V दिया है, फिर C, फिर 10। तो ये जो 1 आ गया ना, नंबर पहले आ गया, इसलिए गलत हो गया। तो देखना हमेशा आपकी जो सेल का एड्रेस होता है उसमें सबसे पहले हमारा कॉलम लेटर होता है, जो लेटर होते हैं ना वो होते हैं, जो कॉलम के लेटर होते हैं। तो ध्यान रखना है, ऐसा कभी आए तो ये फॉल्स हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आज कुछ इंपॉर्टेंट फाउंडर्स नेम भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। हम यहाँ पे विद ईयर के बताएंगे, और इसका PDF भी हम आपको देंगे जैसा कि हमने कहा है, तो उस PDF में भी आपको ये मिल जाएंगे, उसमें भी शामिल करें, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे दिया है पेटीएम, आपसे पूछेंगे कि पेटीएम के फाउंडर कौन है, पेटीएम कब लॉन्च किया गया था। तो याद रखना है पेटीएम 2010 में बना था, 2010 में आया था, और इसके जो फाउंडर हैं वो विजय शेखर शर्मा हैं। कौन है? विजय शेखर शर्मा हैं पेटीएम के फाउंडर, ठीक है। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, सबसे आसान रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है उसका भी आप ले सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ताकि अभी आपके सामने ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम भी 2010 में आया था, और इसके जो फाउंडर हैं वो केविन सिस्ट्रॉम है, याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, केविन सिस्ट्रॉम है इंस्टाग्राम के फाउंडर, 2010 में आया था। अब अगर हम बात करें टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम 2013 में आया था, ठीक है, और इसके फाउंडर हैं पावेल ड्रॉप, ठीक है, ये हैं टेलीग्राम के फाउंडर, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप 2009 में आया था, और इसके फाउंडर नेम है व्रेन एक्टन और जैन कॉम, याद रखना है आपको, ठीक है। फोनपे की बात करें तो 2015 में लॉन्च हुआ, समीर निगम, वर्जिन इंजीनियर, राहुल चेरी, ये हैं फोनपे के फाउंडर। इसमें से किसी का भी नाम डिस्प्ले हो, किसी का भी नाम आपको वहाँ पे दिखे, तो आप उसे सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अब अगर बात करें फेसबुक की, तो आप सभी परिचित होंगे, 2004 में बना था, 2004 में फेसबुक लॉन्च हुआ था, और मार्क जुकरबर्ग इसके फाउंडर हैं। मार्क जुकरबर्ग क्या है? फेसबुक के फाउंडर हैं। इसके बाद अगर बात करें Alibaba.com की, तो ये भी एग्जाम में आया है कई बार क्वेश्चन Alibaba.com के बारे में, तो ये आपका 1999 में बना, 1999 में बना, और जैक मा इसके क्या हैं? फाउंडर हैं, ठीक है, याद रखना है ये सभी। इसके बाद अब आगे कुछ और हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया अगला पेज, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हमने आपके लिए रख दिए हैं, ताकि कुछ भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, इससे बाहर का फिर आ नहीं सकता, इससे बाहर का पूछा नहीं जा सकता है, ठीक है। सभी फाउंडर नेम यहाँ पर हमने शामिल कर दिए हैं आपके लिए। अब अगर आपसे पूछें गूगल के फाउंडर नेम कौन है, और उसका ईयर भी दिया है यहाँ पे, 1998 में इसे लॉन्च किया था, ये 1998 में बना था, लैरी पेज और सर्जी, ठीक है, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन इसके फाउंडर हैं गूगल के। अमेजन 1994 में, याद रखना है 1994 में जेफ बेजोस इसके फाउंडर हैं, किसके? अमेजन के, जेफ बेजोस इसके फाउंडर हैं।
अब अगर बात करें यहाँ पे ट्विटर की, तो देखो 2006 में बना था ट्विटर, और जैक डॉर्सी इसके क्या है, फाउंडर हैं। अब अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो 1975 में विल गेट्स इसके फाउंडर हैं, ठीक है। फ्लिपकार्ट 2007 में विन्नी वंसल और सचिन वंसल इसके फाउंडर हैं, फ्लिपकार्ट के 2007 में ये लॉन्च हुआ था। याहू 1994 में लॉन्च हुआ था, डेविड फिलो और जेरी योंग हैं इसके फाउंडर। इसके बाद अगर बात करें एप्पल की, तो 1976 में स्टीव जॉब्स इसके फाउंडर हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे विकिपीडिया की, जो कि ज्ञान का भंडार है, तो 2001 में और जिमी बैल्स इसके फाउंडर हैं विकिपीडिया के। अगर बात करें यूट्यूब की, तो 2005 में, जहां पर आप लोग क्लास देख रहे हैं, और ये जावेद करीम और स्टीव चेन ये हैं आपके फाउंडर यूट्यूब के। बात करें क्विकर की 2008 में, और इसके प्रणय चोलेट ये हैं आपके फाउंडर क्विकर के, ठीक है। तो आपने उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट इसका भी ले लिया होगा, नहीं लिया है तो जिन बच्चों ने आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लो, इसके बाद हम आगे बढ़ें। अगले कुछ और नाम होंगे शायद इसमें, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आगे है, ठीक है, आगे मैंने कुछ और चीज़ें शामिल की हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे क्या है, यहाँ पे कुछ जनरेशन और इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कल पेपर है, तो मैंने सोचा ये चीज़ भी आपको बताना जरूरी है, और उम्मीद है आपको पता होगा। नहीं पता है जिन बच्चों को, नए बच्चे हैं उनको ये चीज़ पता लगना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें याद क्या रखना है आपको, इस पर इतना याद रखना है कि जो पहली जनरेशन थी उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी। तो देखो सिंपल है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुआ था, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ था, अगर आपसे पूछें तो आप लोग बता सकते हैं। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, जैसे हम आईसी कहते हैं, तो ये थर्ड जनरेशन में आईसी का स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें फोर्थ जनरेशन, तो इसमें क्या हुआ था इस्तेमाल, VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, और यहाँ पे कुछ और हमने इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म दिए हैं, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो भाई अगर पता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मैंने लिख दिया इसलिए ताकि आप लोग अगर नहीं पता है तो इसको पता जरूर कर लें एग्जाम में जाने से पहले। देखो तो एनएएक के बारे में पूछ सकते हैं, एडसेक, एडवैक और यूनिवैक। एनएएक का प्लेटफॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, एडसेक का होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, और एडवैक का होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहाँ पे सॉरी वेरिएबल और वेरिएबल दो बार लिख गया है, तो मैं एक को कट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। यूनिवैक की बात करें तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये होगा कुछ फुल फॉर्म आपके लिए थी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने यहाँ पे नोट कर दी है, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्लास कैसी लगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सुन के जाइए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो एग्जाम हो आप मुझे अपने क्वेश्चन जरूर शेयर करें। अपने क्वेश्चन आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पर अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो CCC से आप फॉलो कर लीजिए, वहां पर भेज सकते हैं, या फिर फेसबुक पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं CCC से, ठीक है। दूसरा आप मुझे मेल भी कर सकते हैं info.CCC@gmail.com पर। ये सारी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, वहां से आप मुझे अपने क्वेश्चन जरूर शेयर करें, जो भी आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन याद रहें। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छा करेंगे अपने एग्जाम में और एक अच्छी ग्रेड से जरूर पास होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।